ये बात तब की है जब पाकिस्तान के अब्दुल खालिन को एशिया का सबसे तेज दौड़क माना जाता था, लेकिन हमारे पंजाब के मिल्खा सिंह ने उसे टोक्यो की दौड़ में हरा दिया। इसे देखकर पाकिस्तानी ये कहने लगे कि ये तो तुक्का है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे कोई हरा दे। तभी मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में जाकर उसे एक बार और हराकर दिखा दिया कि हम जो भारत के लोग हैं वो कितने शेर दिल हैं और हमारी कोई भी चीज तुक्के से नहीं होती। इस बंदे ने अपनी मूवी बनने के लिए भाग मिल्खा भाग मूवी के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था। जान लीजिए आप लोग कि हमारे भारत में क्रिकेट के अलावा और भी बहुत गेमें हैं। इस बंदे की सोच इतनी ऊंची है कि जिस देश ने इससे कहा कि तुम दुनिया और एशिया के सबसे तेज दौड़क नहीं हो, ये उसी देश से जाकर द फ्लाइंग सिख की उपाधि लेकर आया है। इस बंदे का नाम है मिल्खा सिंह, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। इनके लिए आप अपने सपनों पर वर्क करो मेरे दोस्त। ये बंदा चाहता था कि हमारे देश के जो युवा हैं वो आगे जाकर किसी अच्छी फील्ड में जाएं, जो उनका सपना है वो बने, लेकिन हमारे देश के युवा कर क्या रहे हैं, अश्लील वीडियोस में फंसे हुए हैं, हस्त मैथुन करते हैं। आपको ये सब नहीं करना है दोस्त। इस बंदे ने इतना सेक्रीफाइस किया है लाइफ में, उससे कुछ सीखो, आपको जिंदगी में कुछ कर दिखा दो। एक खिलाड़ी हमने खो दिया है, जिस हिसाब से हमारा देश आज हस्त मैथुन और अश्लील वीडियोस की चपेट में फंसा हुआ है, मुझे नहीं लगता आगे जाकर हमें ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे। इसलिए कहता हूँ दोस्त, आज से अभी से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करो। जय हिंद, वंदे मातरम। म्यूजिक।